नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या है सुर्खियां। मुस्लिम और दलित राजनीति करने वाले ऑल इंडिया MIM और भीम आर्मी आखिर बुलंदशहर के चुनाव में क्यों आपस में भिड़े, क्यों हुआ दोनों में खूनी संघर्ष। बांगरमऊ उपचुनाव में क्या है कुलदीप सिंह सेंगर का जलवा और क्यों कहा साक्षी महाराज ने कि कुलदीप सिंह सेंगर का प्रभाव इस चुनाव पर जरूर रहेगा। और साथ साथ बागपत में अपहृत व्यापारी से मांगे गए 1 करोड़ रुपए बतौर फिरौती। चलते हैं खबरों की तरफ। इस वक्त उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं और उसका भी रंग दिखाई देने लगा है। जिस मुस्लिम और दलित वोट पर भीम आर्मी राजनीति करना शुरू कर रही है, उसी मुस्लिम वोट पर, उसी दलित वोट पर ऑल इंडिया MIM भी अपनी राजनीति करती है। और बुलंदशहर एक ऐसी सीट है जहां पर आजाद समाज पार्टी यानी कि भीम आर्मी का जो पॉलिटिकल संगठन है उसने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और दूसरी तरफ ऑल इंडिया MIM ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। लेकिन बीती शाम एक घटना घटी और ऑल इंडिया MIM और साथ साथ भीम आर्मी के दोनों प्रत्याशी आमने सामने हो गए। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने बकायदा ट्वीट किया कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है और जानलेवा हमला किया गया है, जबकि दोनों के बीच में हल्की झड़प हुई ऐसा पुलिस का कहना है। ऑल इंडिया MIM और साथ साथ आजाद समाज पार्टी जो कि भीम आर्मी का राजनीतिक संगठन है, ये दोनों चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आज दोनों तरफ से एक एक FIR दर्ज की गई और साथ साथ जिसमें 307 यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा है। यह पहला ऐसा मामला है जब दलित नेता के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण और ऑल इंडिया MIM यानी कि OIC की पार्टी के दोनों प्रत्याशी और नेता आमने सामने हो गए हैं। सरकार को यह बेहद ही सूट कर रहा है और उसने दोनों की तरफ से FIR दर्ज करवा दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार के लिए आज शाम तब एक अच्छी खबर आई जब ये पता चला कि बागपत से अपहरित लोहा व्यवसायी को अपहर्ताओं ने छोड़ दिया है और वो फरार हो गए हैं। सुबह सुबह जैसे ही ये खबर आई थी कि एक लोहा व्यवसायी का अपहरण कर लिया गया है और परिवार वालों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है, उसके बाद से ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। सुबह जब ये लोहा व्यवसायी अपने गोदाम पर लोहा उतारने गया था तभी उसी वक्त उसका किडनैपिंग कर लिया गया था। पता ये चला कि इस व्यवसायी को मुजफ्फरनगर के रास्ते से ले जाया जा रहा है। अपहरण के कुछ देर बाद ही परिवार वालों को 1 करोड़ की फिरौती के फोन आए और पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय हो गई। कई जिलों की पुलिस को इसमें लगाया गया और तब जिस व्यवसायी के फोन से परिवार वालों को फोन किया गया था उसका ट्रेस मिला और पता ये चला कि उसे मुजफ्फरनगर की तरफ ले जाया गया है। कुछ देर पहले सकुशल उस लोहा व्यवसायी को बरामद कर लिया गया है। प्रशासन ने राहत की सांस ली है लेकिन अपहरणकर्ता फरार है। फिलहाल इस बात की जांच चल रही है कि आखिर यह अपहरण कैसे हुआ, किन लोगों ने किया और किन परिस्थितियों में उसे छोड़कर भाग गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं जिसमें एक सीट उन्नाव के बांगरमऊ की सीट है। ये वो सीट है जहां से कुलदीप सिंह सेंगर चुनाव जीते थे और अब सजायाफ्ता होने के बाद वहां चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में कुलदीप सिंह सेंगर एक बार फिर से फैक्टर हैं और इस बात की तस्दीक खुद उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज कर रहे हैं। साक्षी महाराज ने यूपी तक से खास बातचीत में बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर का फैक्टर काम कर रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर का असर चुनाव में है और बीजेपी को भी उनके प्रभाव का फायदा लेना चाहिए। साक्षी महाराज यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि फांसी तो कभी कभी सत्य को भी होती है, यानी कि यह चुनाव बांगरमऊ का चुनाव कुल मिलाकर कुलदीप सिंह सेंगर के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है और साक्षी महाराज तो
खुल के उनके समर्थन में खड़े हैं। यही नहीं, साक्षी महाराज ने एक चुनावी सभा में बकायदा शमशान और कब्रिस्तान की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में कब्रिस्तान जो बन रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम बहुल गांव में बनने चाहिए और 2022 में एक बार फिर ये मुद्दा उभर कर आएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फिरोजाबाद में 12वीं की एक छात्रा के कत्ल का मामला सुलझ गया है। उस लड़की का पिता ही उसका कातिल निकला। 2 दिन पहले 12वीं की छात्र को रात को 1:30 बजे उसके घर में गोली मार दी गई थी। परिवार वालों का आरोप था कि 3 लड़कों ने इस हत्या को अंजाम दिया है जो उसके साथ हमेशा छेड़छाड़ करते रहते थे। लेकिन हत्या के इस मामले को सुलझाने के बाद आज पुलिस ने दावा किया कि उसके पिता ने ही उस लड़की की हत्या की है। दरअसल ये लड़की दोस्तों से बातचीत करती थी, लड़कों से फोन पर बात करती थी और ये बात उसके पिता को गवारा नहीं था। देर रात एक आपस में हुई कहासुनी के बाद पिता ने उस लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी थी और आरोप 3 लड़कों पर लगाया था। आज पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि ये कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग है, लेकिन परिवार वालों ने भी मान लिया है, कबूल कर लिया है कि ये हत्या उसके पिता ने ही की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सीटों का चुनाव अब बेहद ही रोचक होता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने आज अपना भी उम्मीदवार इस राज्यसभा चुनाव के लिए उतार दिया। हालांकि एक सीट पर जीत के लिए 37 विधायकों का समर्थन चाहिए और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के पास 18 विधायक हैं। ऐसे में बीएसपी को 19 अन्य विधायक अपने राज्यसभा चुनाव के लिए चाहिए होगा। एक सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत लगभग तय है, वहां से रामगोपाल यादव उम्मीदवार हैं, जबकि बाकी 9 सीट बीजेपी के खाते की मानी जा रही थी। 8 सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय है, लेकिन एक सीट पर अब चुनाव होना भी तय है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी सिर्फ 8 उम्मीदवारों को उतारती है या वो नवा उम्मीदवार भी देती है। अगर बीजेपी ने अपना नवा उम्मीदवार दिया तो एक सीट के लिए चुनाव होना तय होगा। माना यह जा रहा है कि बीएसपी दूसरे छोटे छोटे दलों को जोड़कर एक सीट राज्यसभा में लेना चाहती है। अब उत्तर प्रदेश से 10 सीटों का चुनाव रोचक हो गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में गोवंश की तस्करी या फिर गोवंश को काटने, दोनों पर प्रतिबंध है, लेकिन धड़ल्ले से गोवंशों की तस्करी हो रही है और ये सब कुछ पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे। अगर आज उन्नाव में एक हादसा नहीं हुआ होता तो शायद पता भी नहीं चलता कि इस रास्ते से कितनी गोवंश की तस्करी होती है। आज 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। एक्सीडेंट के बाद पता ये चला कि उन ट्रकों में ठूस ठूस कर ये गोवंश लादे गए थे जिन्हें काटने के लिए ले जाया जा रहा था, यानी कि जिन्हें बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। एक ट्रक में 18 ऐसे गोवंश मिले जो कि बुरी तरीके से ठूस कर भेजे जा रहे थे। हालांकि इस हादसे में 2 गोवंश की मौत हो गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो जान लीजिए क्या कहता है आज का कोरोना मीटर। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कितने मरीज घटे, कितने बढ़े और कितने इस वक्त हैं सक्रिय मरीज। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।